सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो. आज का हमारा टॉपिक होगा प्ले जो है ब्लड नॉट, रिटन बाय एथोल फ्यूगार्ड. एथोल फ्यूगार्ड का पूरा नाम था हेरोल्ड एथोल लैनिगन फ्यूगार्ड. इनका जन्म 11 जून 1932 में एक मिडलबर्ग के एक पिछड़े हुए गांव में हुआ था, पोर्ट एलिजाबेथ की. इनका ये जो प्ले है द ब्लड नॉट, ये इनका फर्स्ट इंटरनेशनल सक्सेस था. ये प्ले पॉलिसी ऑफ अपार्थीड पे बेस्ड है. ब्लड नॉट ये जो प्ले है ये दो भाइयों के बारे में है जो कि एक कमरे के शैक में रहते थे. वो बड़ी उनका टूटा फूटा सा वो कमरा था, पोर्ट एलिजाबेथ के साउथ अफ्रीका में था. ये दोनों भाई जो थे वो अलग अलग मिजाज के थे, पर फिर भी ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे. मॉरिस जो था वो लाइट स्किन्ड कलर मैन था, जिसको हम सांवला बोलते हैं, और जकेरिया जो था वो एक ब्लैक मैन था. वो दोनों हाफ ब्रदर थे. हाफ ब्रदर्स अगर किसी को नहीं पता तो वो होते हैं जिनकी सेम मदर होती है पर फादर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. उन दोनों ने सेम रूम जो है वो शेक वाला वो शेयर किया एक साल तक. जकरिया जो था वो एक पार्क में गेट कीपर का काम करता था. उसकी उसका वहां पे ये काम था कि किसी भी ब्लैक पीपल को, किसी भी काले आदमी को उन वाइट्स के पार्क में नहीं आने देना, वहां पे आने से रोकना. और इसके लिए जैक को पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता था. पूरा दिन खड़े रहने की वजह से उसके पाँव से जैक के पाँव में छाले आ जाते थे. और जब भी वो घर पे जाता था तो मॉरिस जो था उसके लिए एक बकेट में, एक टब में गर्म पानी जो है तैयार करके उसमें नमक डाल के वो रखता था, जिसमें वो जैक आके अपने फीट को डिप करके रखता था, जिससे उसे थोड़ा रिलीफ मिलता था. वो दोनों अपने अपने पैसे जोड़ रहे होते हैं कि वो दो आदमियों के रहने के लिए एक अच्छा सा रूम ले सके, एक अच्छी सी जगह ले सके जिसमें वो दोनों रहें. जैक जो था उसको वहां पे खड़े खड़े सारे काम खड़े खड़े ही रहना पड़ता था पूरा दिन. तो वो जब भी घर आता था वो बहुत ही एक तो थका हुआ होता था और ऊपर से गुस्सा होता था. और वो कई बार वो अपने भाई के ऊपर भी चिल्ला देता था, गुस्सा कर देता था उसके ऊपर भी. वो बड़ा ही लोनली लोनली रहता था, वो खुद को बड़ा लोनली फील करता था. उसके भाई ने उसको एक बार सजेशन दिया कि तुम्हें एक पेन पाल रखना चाहिए. पेन पाल मतलब जिसको हम लेटर्स एक्सचेंज करके इसके साथ फ्रेंडशिप रख सके, जिस तरह आजकल व्हाट्सएप पे चैट्स एक्सचेंज करके फ्रेंड्स बनते हैं उस टाइप के. पहले जैक जो है वो हिचकिचाता रहा, उसने मतलब मॉरिस की बात पे ध्यान नहीं दिया. पर बाद में उसने एक दिन ट्राई किया, उसने न्यूज़पेपर उठा के लाया जिसमें वो रेफरेंस दिए गए थे पेन पाल्स के लिए. और उसमें से उसको एक बार एथल नाम की एक लड़की है उसके बारे में पता लगा. और वो फिर वो उसको लेटर लिखने लगा. लेटर कैसे लिखने लगा, क्योंकि वो तो खुद पढ़ा लिखा था नहीं, उसके बिहाफ पे उसका भाई मॉरिस जो है वो लेटर लिखता था. क्योंकि जैक जो था वो अनपढ़ था, उसको लिखना भी नहीं आता था और पढ़ना भी नहीं आता था. ऐसे करते करते एथल और जकेरिया की दोनों की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. अब वो दोनों को मतलब एक दूसरे से प्यार हो गया. वो प्यार भरे लेटर्स जो है वो एक दूसरे को शेयर करने लगे. एथल जो होती है वो वाइट होती है और उसको अभी तक ये नहीं पता होता ये जो जकरिया है ये ब्लैक पीपल है. तो एक दिन क्या होता है, एथल जो है वो जैक से बोलने लगती है, मिलने की जिद करने लगती है. वो बोलती है मैं तुमसे मिलने आऊँगी. तो उन्होंने जगह डिसाइड करते हैं. अब चूंकि उसे ये नहीं पता होता कि जैक जो है वो ब्लैक है, तो जैक और उसका भाई मॉरिस दोनों एक प्लान बनाते हैं कि जैक बोलता है कि मेरी जगह तुम मिलने चले जाना. पहले मॉरिस नहीं मानता पर बाद में जैक के मनाने पे वो मान जाता है. उसको वहाँ पे अच्छा लगना था और इसके लिए उन्होंने जितनी भी सेविंग्स की हुई थी उन सेविंग्स से उन्होंने अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीदे, जिसको देख के मतलब वो इम्प्रेस हो जाए. अच्छी सी हैट, अच्छे से कपड़े वो सब खरीदे, जिनमें उनकी सारी सेविंग्स जो हैं वो खर्च हो गई. मॉरिस जो होता है वो पहले जाने के लिए तैयार इसलिए नहीं होता क्योंकि एक बार लेटर में एथल ने ये चीज़ लिखी होती है कि मेरा भाई जो है वो एक पुलिसमैन है. तो वो ये चीज़ मतलब उनको याद जब आती है तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं. बट फिर भी मॉरिस जो है वो अपने भाई के लिए जाता है. पर लास्ट में क्या होता है, वो मिलने नहीं आती एथल वो लड़की. अब वो दोनों जो होते हैं वो एक एक्ट करने लगते हैं जिसमें मॉरिस जो है वो एक वाइट मैन होता है और वो एथल के साथ चलता हुआ आ रहा होता है, और जकेरिया जो ब्लैक मैन है वो पीनट्स बेच रहा होता है रोड साइड पे.
जैड जो होता है वो मॉरिस को बोलता है कि मेरे साथ और हार्शर हो और मीनर हो, ताकि हम इस तरह से एक्ट कर सके जिस तरह से हम मतलब रियल लगे, और वाइट मैन जिस तरह एक ब्लैक मैन को ट्रीट करता है उस तरह से। तो वो क्या करता है, मॉरिस को पुश कर, जब तक वो पूरे रोल में नहीं आ जाता। और वो फिर से प्ले करने लग गया, जिसमें एक सीन होता है जिसमें मॉरिस जो है वो वाइट जेंटलमैन है और वो पार्क में आ रहा है जहाँ पे जैक काम करता है। तो शुरू में क्या होता है, मॉरिस जो है वो जेंटल होने की कोशिश करता है एज अ वाइट मैन, पर जैक जैक जो है उसको पुश करता है कि बोलता है कि मेरे साथ और मीनर और हार्शर हो जैसे कि पहले हुआ था, और जैसे कि वाइट पर्सन जो है वो ब्लैक्स को ट्रीट करते हैं उस तरह से। अब इस टाइम पे प्ले इतना जो सीरियस हो जाता है और इतना इंटेंस हो जाता है कि मॉरिस जो है वो जैक को अम्ब्रेला के साथ मारना शुरू कर देता है, जैसे कि वहाँ के वाइट जो है वो ब्लैक को ट्रीट करते होंगे उस तरह से। और फिर दोनों की पावर शिफ्ट होती है, और अब जैक मॉरिस को मारने लगता है उस टाइम पे। और फिर उसी टाइम पे क्या होता है, अलार्म क्लॉक रिंग बजती है और उन दोनों के बीच में जो टेंशन का माहौल बना होता है वो खत्म हो जाता है। और मॉरिस जो है लास्ट में ये बोलकर सिचुएशन को हैंडल करता है कि हम सिर्फ एक प्ले कर रहे थे, यही तो था ब्लड नॉट, मतलब दो भाइयों के बीच का बॉन्ड। सो ये था हमारा प्ले ब्लड नॉट, होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।